हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कैनुला के बारे में। कैनुला को कैसे लगाते हैं और कैनुला को लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और साथ में ही कैनुला के पार्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहला पार्ट निडिल। निडिल को ऐसे बनाया जाता है जिससे कि निडिल आसानी से स्किन को पंच करते हुए वेन में पहुँच जाए। के बाद कैथेटर, बुशिंग, विंग्स, वेसल्स, इंजेक्शन पोर्ट, और इसके ऊपर एक कैप लगा होता है जिसे इंटीग्रेट स्नैप कैप बोलते हैं। इसके बाद निडिल प्रोटेक्शन सीट, निडिल ग्रिप, फ्लैशबैक चैम्बर, और लास्ट में एंड कैप होता है। कैनुला को पकड़ने की सही पोजीशन क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे, जिससे कि कैनुला को सही तरीके से लगा सकें। पहली पोजीशन, थंब को एंड कैप पर रखें, एक फिंगर को विंग्स पर रखें, दूसरी फिंगर को इंजेक्शन पोर्ट पर रखें। दूसरी पोजीशन, दोनों ही फिंगर्स को विंग पर रख सकते हैं। तीसरी पोजीशन, निडिल ग्रिप को इंडेक्स फिंगर और थंब से सीधे पकड़ें, कभी भी केवल विंग्स को ना पकड़ें। अब आपको बताएंगे कैनुला को कैसे लगाएं और लगाते समय किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले अल्कोहल स्वैप से कैनुला लगाने वाली जगह को अच्छे से साफ करें। कैनुला को पैकेजिंग से निकालकर इसके विंग्स को नीचे करें। कैथेटर को लो एंगल से इंसेक्ट करते हैं जिससे ब्लड का फ्लश बैक कैनुला ट्यूब में दिखाई दे सके। इसका एंगल 10 से 20 डिग्री पर रखते हैं। कैनुला को स्किन में लगभग 2 मिलीमीटर अंदर करते हैं जिससे कैनुला टिप वेन में चली जाए, और कैनुला को स्किन के लगभग पैरेलल कर देते हैं और फिर कैनुला को वेन में इंसर्ट कर देते हैं। इसके बाद कैनुला टिप से कुछ आगे की तरफ फिंगर से दबाते हैं और निडिल ग्रिप से पकड़कर निडिल को बाहर निकाल लेते हैं। अब कैनुला सही लगा है या नहीं लगा है कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तीनों ग्रिप में से जो भी आपको सही लगे वैसे पकड़ें। कैनुला को स्किन में लो एंगल से इंसर्ट करें। जैसे ही 2-3 मिलीमीटर कैथेटर इंसर्ट होगा और कैनुला टिप वेन में पहुंचेगी, कैथेटर में ब्लड का फ्लैशबैक दिखाई देगा और सेकंड फ्लैशबैक फ्लैश चैम्बर में दिखाई देगा। जब ये श्योर हो जाए कि कैनुला टिप वेन में है और कैनुला को स्किन के पैरेलल कर दें, फिर कैथेटर को 2-3 मिलीमीटर आगे की तरफ इंसर्ट करें और फिर पूरे कैथेटर को। इसके बाद कैथेटर को स्टेबलाइज करके कैनुला टिप से जस्ट आगे की तरफ वेन को दबा लें और फिर टूनिकेट को खोल देंगे। इसके बाद निडिल ग्रिप से पकड़ के निडिल को बाहर निकाल देंगे। कभी भी निडिल प्रोटेक्शन सीट से नहीं पकड़ना चाहिए। निडिल को शार्प कंटेनर में डाल दें, फिर निडिल फ्री कनेक्टर से एक्सटेंशन या फिर आईवी ट्यूब जोड़ सकते हैं, फिर उस पर बैंडेज लगाकर कैनुला को फिक्स करते हैं। अब बात करेंगे कैनुला लगाने के लिए ट्रॉली में किन किन इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। एक जोड़ी ग्लव्स, हाथ के साइज के अकॉर्डिंग एक टूनिकेट, एक एल्कोहल स्वैप, डिफरेंट साइज के कैनुला जो कि मेडिकेशन पर डिपेंड करते हैं और पेशेंट पर कि किसको लगाया जा रहा है, गोसी पेपर, फ्लश एंड फिक्सेशन। एक बार आपको कैनुला लगाकर दिखा देते हैं। जिस हाथ में भी कैनुला लगाना है उस हाथ में टूनिकेट बांध देते हैं। इसके बाद हाथ को टैप करते हैं। टैप करने से वेन प्रोमिनेंट हो जाती है। फिर एल्कोहल स्वैप से इंसर्टेड साइड पर क्लीन करते हैं और वेन अच्छे से दिखाई देने लग जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद स्किन को खींचते हैं और सही पोजीशन में पकड़कर वेन में कैनुला को इंसर्ट करते हैं, जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं। ब्लड कैथेटर ट्यूब और फ्लश चैम्बर में दिखाई देने लगता है, तो निडिल को थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं और फिर कैथेटर को बिना किसी रेस्टिकेशन के वेन में पूरा इंसर्ट कर देते हैं। फिर दूसरे हाथ की फिंगर से कैनुला टिप के जस्ट ऊपर वेन को दबा देते हैं और निडिल को बाहर निकाल देते हैं।
टूनिकेट को खोल देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, टूनिकेट के खुलते ही ब्लड फ्लश चैम्बर में आ जाता है। इसका मतलब कैनुला सही लगा है, और एंड कैप लगा देते हैं और इसके बाद फिक्सेशन की हेल्प से कैनुला को फिक्स कर देते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।